उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एंटी रोमियो जैसा अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक वाक्य जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा में देखने को मिला है। आखिर मानवता कब तक शर्मसार होती रहेगी? दरिंदगी और हैवानियत की शिकार 15 वर्षीय किशोरी जब 2 माह की गर्भवती हो गई। किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। थाना बिछवा क्षेत्र में दिरंदगी और हैवानियत से भरी यह घटना 2 माह पुरानी है। बताते चले कि एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 2 माह पूर्व अपने छोटे भाई के साथ पिता को बुलाने के लिए खेत पर गई थी। बताते हैं कि गांव के ही पूर्व प्रधान मुन्ना लाल पांडे के रिश्ते का 55 वर्षीय मामा रामकिशोर मिश्रा कई वर्षों से गांव में रह रहा था, जिसका चरित्र खराब होने के कारण वह गांव से अलग एक मणी में जीवन यापन करता था। आरोप है कि किशोरी को उसके भाई के साथ अकेला पाकर 55 वर्षीय दरिंदे की हैवानियत जाग गई। पहले उसने किशोरी के भाई के साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया। रोते बिलखते हुए किशोर तो घर लौट आया, लेकिन 55 वर्षीय दरिंदे ने किशोरी को पकड़ लिया था और पास ही बने एक आश्रम में ले गया। इसके बाद उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। घर शिकायत करने पर पिता को जान से मार डालने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, किशोरी को भी धमकाया गया था। कहा था कि अगर तूने कहीं किसी बात का जिक्र किया तो तुझे जहर देकर मार डालेंगे। भयभीत किशोरी ने किसी को कोई बात नहीं बताई। बीते दिवस किशोरी की हालत बिगड़ गई और उसे अचानक से उल्टियां आने लगी। किशोरी की मां ने बेटे की तबीयत खराब होने पर उससे जानकारी मांगी। इसके बाद किशोरी ने रोते बिलखते अपनी मां को पूरी बात बताई। किशोरी का एक डॉक्टर से प्रशिक्षण करवाया गया तो वह 2 माह की गर्भवती निकली। बताते चले कि किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापामारी कर रही है। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं कब तक होती रहेगी? कब इन घटनाओं पर लगाम लगेगा? मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आपकी गुड़िया के साथ में? मेरी साथ गुड़िया के साथ ये घटना घटी। मेरी गुड़िया मुझे बुलाने जा रही थी खेत पर जी, तो ये आश्रम पड़ता रास्ते में जी, तो यहीं पर छोटा मेरा लड़का था साथ में, तो उसको गला दबा के धमकाया सटकाया उसको दिया भगा। मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया उन्होंने। ये घटना कब की है और कैसे आपको जानकारी हुई इसकी? मैं ये जानकारी हुई मुझे इतवार को, मुझे देख लो मेरी घरवाली ने हमको बताया। अच्छा। मेरी घरवाली को इसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। हाँ, अच्छा, क्या फिर इस मामले में आपने कहाँ मतलब कोई शिकायत की है? मेरी घरवाली रोती रही, मुझे पूछते रहे क्या बात है क्या बात है, हमने कई बात तो बताओ, हमने तुमसे कुछ कहा नहीं। हाँ। बात तो बताओ, बोले कि अब तो नाक कट गई, अब किसी लायक नहीं रहे। अच्छा, तो मेरा चुपचाप रहो तसल्ली करो, तो मेरी एकदम पैरों से जमीन से खिसक गई। ये क्या हुआ? फिर आपने गुड़िया से पूछा कि किसका है क्या है? हाँ, फिर हमने गुड़िया को पूछा तो गुड़िया ने किया ऐसी बात है। फिर साहब हमने क्या नाम बताया? हमने ज़्यादा बात ही नहीं की। गुड़िया ने जब साफ बता दी, हमारे सामने भी घरवाली को भी साफ बता दिया कि उस रामकिशोर ने आपके गुड़िया के साथ ऐसा किया। हाँ, ऐसा किया। क्या उम्र है उसकी और वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है? वो बाराबंकी के रहने वाले हैं। हाँ। वो यहाँ पे एक ग्राम समाज का आश्रम है जी, उसी में ये रहते हैं वहाँ पर। अच्छा। और घर है घनश्याम पांडे का गाँव में, सो वो गाँव में वो खुद नहीं रहने देते इनको, वो कई बार ऐसी लोगों के साथ छेड़छाड़ कर चुके। अच्छा, तो आचरण अच्छा नहीं है। हाँ, डर के वजह से किसी ने कोई बोला नहीं है। अच्छा, तो अपने गांव में भी ऐसी हरकत कर चुके हैं क्या?
जे साहब उनके गांव की हमें नहीं पता, भाई अपने गांव से खुद ही निकले भाई, भागे भाई वहां से जी, इनने वहां कतल अतल किए। यहां पे भी घनश्याम पांडे भी जो ना यहां नहीं रखने देते हैं, घनश्याम पांडे अपने घर भी नहीं रखते हैं, उनके घनश्याम पांडे के घर से आई थी, वो कह रही थी इसलिए हमें अपने घर नहीं रहने देते, इसलिए वो वहीं मड़ी पर रहते हैं। तो गुड़िया के साथ क्या घटना हुई, कैसे आपको जानकारी हुई? पहले उन्टी भाई उन्टी में तो हमने बूझी कि तभी क्या बात है भाई, तबीयत खराब है का तो कि नहीं मेरे पेट में एम्स नहीं आ रहे हैं। फिर तो है ना फिर तब बताई ना पूरी घटना बताई, पूरी घटना बताई। तो किसने उसके साथ ये गलत काम किया? राम सिंह। राम किशोर। राम किशोर। अच्छा, तो कितने महीने से इनको मतलब ये नहीं हो रहा था घर पर? वो दो महीने से। तो ये आपकी लड़की प्रेग्नेंट है इस समय, घनश्याम का ही है? दलीपुर का ही। क्या घटना घटी है आपके साथ में? हम अपने छोटे भाई के साथ खेत पे गए थे जी। कब गई थी? 17 मई को। हाँ, फिर 17 मई को गए थे तो राम किशोर आया, मेरे छोटे भाई का गला दबा दिया, लड़ा धमका के घर भगा दिया और मुझे जबरदस्ती अपने मड़ी पर ले गया। ठीक। वहीं पे मेरे साथ बलात्कार किया। अच्छा, ये राम किशोर हैं कौन? क्या ये घनश्याम पांडे के है? मामा हैं। अच्छा, यहाँ मामा रहते थे क्या उनके? हाँ। ये घनश्याम क्या कौन है इस गांव के? इस गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है। हाँ। फिर क्या हुआ, तुमने वहाँ से आके क्या अपनी मम्मी पापा को घटना को नहीं बताया? नहीं। क्यों? उसने धमकी दी थी, अगर मैं तू घर कहेगी जाके तो तेरे पापा को जान से मार दूंगा। ये कर दूंगा। हाँ। तो तुम डरी सहमी रही? हम डर गए थे इसलिए हमने बताया नहीं। अच्छा, गुड़िया कितने में पढ़ रही हो तुम? 8 में। कौन सा विद्यालय आपका? कन्या विद्यालय। बेटा, तुम्हें 17 मई किसने मारा था और कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे? जी, साथ रहते हैं। और मकाते गुल्ला दबा दिया था तुम्हारा। तो कहाँ गए थे तुम? मकाते गए थे खेतन में। अच्छा, किनको? पापा को बुलाने गए थे, फिर तुम्हें भगा दिया। तो तुमने अपनी दीदी को नहीं बताया? अच्छा, क्या कह दिया था? अच्छा, संगे थे तो क्या कह दिया था कि भागता? अपने पापा को बता दिया तो तेरे पापा गोली मार देंगे। जी बोला। फिर तुम्हारी बहन को कहाँ ले गए? झोपड़ी पे। अच्छा, वही आश्रम बना उसमें। छवा थाना क्षेत्र में एक दलीपुर कैली में एक किशोरी के साथ रेप कांड हुआ है, सब पूरा मामला क्या है और कितने दिन पहले किया गया था? ये कल बिछवा थाने पर एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जो ग्राम दिलीपुर कैलई है वहाँ से, और उसमें ये आरोप लगाया था गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा एक 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस तहरीर पर थाना बिछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। इसमें जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। सर, जानकारी मिली है कि क्या गर्भवती दोनों से गर्भवती भी है, ये क्या अभी है? ये मेडिकल का विषय है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जैसे ही मेडिकल प्राप्त होगा इस संबंध में प्राप्त होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।